हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपको एक राखी बनाना बताऊंगी और आज मैं बच्चों के लिए बनाना बता रही हूं। तो इसके लिए आपने रिबन लेना है। ये देखिए, मैंने आधा मीटर रिबन लिया हुआ है और ये थ्रेड है, कॉटन थ्रेड। आप ऊन भी ले सकते हैं चाहे तो। और सुई और धागा लेना है, एक मोती ले लेना है आपने। तो धागा आप कोशिश कीजिएगा कि मैच का लें। तो मैच का मैंने निकाला नहीं, वो काफ़ी ऊपर रखा हुआ है ताड़ पे, तो मैंने नहीं निकाला है। तो इसी कलर से मैं आपको बता दे रही हूँ, बट आप कोशिश कीजिएगा कि सेम कलर का धागा आप लें। तो चलिए, तो सुई में आपने धागा डालकर ले लेना है सबसे पहले। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए, सबसे पहले आपने सुई में धागा डाल के ले लेना है और जो आपके रिबन हैं, देखिए इसके एक पॉइंट पर कुछ इस तरह से बहुत छोटे छोटे हमने सिलाई करनी है। देखिए, तो जब भी आप करें तो इस तरह से करके देख लें कितने में आपके राउंड में ये फोल्ड हो जाएगा। बस उतना ही आपने लेना है, ज़्यादा हमने नहीं लेना है। थोड़ा सा और सिल लेंगे। इस तरह से हमने इसको खींच कर देख लेना आराम से कि कितने में हो जाएगा। देखिए, पर्याप्त है, इतने में हमारा आसानी से ये राउंड एक सर्कल बन जाएगा। मैं मेजरमेंट आपको एग्जैक्ट बता देती हूँ कि कितना है। तकरीबन यहाँ पर हमारा तकरीबन हमने 6 इंच इसको लिया हुआ है धागा, हमारा जो है ये तकरीबन 6 इंच का धागा है। तो अब देखिए, इस तरह से कुछ करना है आपने और यहाँ पर जो है ना ये कट कर देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना दोनों, ये दोनों पार्ट यहाँ पर हमने इनको सिलना है। तो अच्छे से खींच लेंगे बिल्कुल अच्छे से और फिर और यहीं से हम पैक कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वाला पोर्शन पे अपने धागे को बहुत ही अच्छे से खींच कर रखना है। अब हमने यहाँ पर मोती अटैच कर लेना है। तो इसी तरह से मेरे पास बड़ी मोती है, छोटी भी है, बट तो क्या कहें, तो मैंने बड़ी मोती ही ले लिया है। छोटी मोती भी आप अटैच कर सकते हैं, मोती अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, जो भी आपको लगानी हो। मैं इसको लगा रही हूँ, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो मैं निकाल भी सकती हूँ, कोई वो नहीं है कि मैं इसी को लगाऊँगी। बट ये देखिए, ये हो गई हमारी मोती। तो आई थिंक फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा बड़ी है कि सही है। पीछे हम अच्छे से मोती को लगाने के बाद यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। अच्छी तरह से कटेंगे। और आपने धागा ले लेना है उन अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, जितनी बड़ी आप आपकी बनाना चाहते हो जितनी। और मेजरमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे तकरीबन 10 इंच का बच्चों के लिए पर्याप्त होगा।
को ऐसे करेंगे और इसे सेंटर ऐसे निकालेंगे, इसका सेंटर वाले पार्ट पे देखिए यहाँ पर हम अच्छे से अगर करेंगे तो टक हो जाएगा। मैं इसको ग्लूगन की मदद से भी बना सकती थी बट क्या ना कि हर किसी के पास ग्लूगन नहीं होता है और हर कोई ग्लूगन से नहीं बना सकता है, इसलिए मैंने कुछ ऐसा बताया जो इजीली जिसको बुनाई वगैरह नहीं आती है ना वो भी बना सके। और अब यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे। देखिए हमारी बहुत ही प्यारी सी और खूबसूरत सी राखी बनकर के तैयार है। आप इस तरह से अपने बच्चे के लिए बना सकती हैं, भाई के लिए, जिसके लिए चाहे आप इस तरह से राखी बना सकती हैं, अपनी छोटी बेटी को भी आप सिखा सकती हैं ऐसे राखी बनाना। तो फ्रेंड्स देखिए मोती आप थोड़ी छोटी लगाइएगा और अगर मोती नहीं है आपके पास तो आप सितारा, कुंदन कुछ भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई बटन फैंसी वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।